नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सुमन पॉल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपायर नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करने वाली थी ग्रीट के ऊपर, जिसे बहुत से लोग कैल्शियम ब्लॉक भी बोलते हैं। तो आज जो बात शेयर करने वाली कि आप ग्रीट का फ़ायदा क्या है, ठीक है, कैल्शियम ब्लॉक केज में देने लगाने का फ़ायदा क्या है और ये किस तरह से आपके बर्ड्स के शरीर के ऊपर काम करता है, ठीक है, इसके ऊपर आज कुछ बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो होता है कि ग्रीट, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कि सॉल्युबल ग्रीट जिसको बोलते हैं और एक होता है कि अनसॉल्युबल ग्रीट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो एक होता है कि द्रवणीय और एक होता है कि अद्रवणीय, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ठीक है, ये बर्ड्स के ऊपर, शरीर के ऊपर किस तरह से काम करता है। तो देखिए, आपके जो बर्ड्स होते हैं, आप जो भी बर्ड्स बोलिए, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो भी बोलिए, स्पैरो, फिंचेस, जावा, ठीक है, फिंचेस में कोई भी, बेंगलोस फिंचेस सोसाइटी, लेडी गोल्डन, और आते हैं कि बजरी के ऊपर, ठीक है, बजरी कॉकटेल लबर्ट के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा पैरट्स या स्पैरो में से यह सबसे ज़्यादा ग्रीट की ज़रूरत होती है फिंचेस टाइप के बर्ड्स के ऊपर, जो स्पैरो ग्रुप में आते हैं, जावा, फिंचेस, इसको सबसे ज़्यादा कैल्शियम ब्लॉक की ज़रूरत होती है। तो इनका काम क्या है, आपके बर्ड्स के शरीर में ये कैसे काम करता है। आपके बर्ड्स मान लीजिए कि जो सारे दाने वगैरह जो खाते हैं ना, सीड, तो बहुत से सीड ऐसे होते हैं जिसको छिलका को ऊपर से एक छिलका होता है, ठीक है, उसको बर्ड्स तोड़ के अंदर का जो सीड है उसको खाता है, ठीक है। और एक होता है कि जो बर्ड्स डायरेक्ट खाता है, जैसे कोई सॉफ्ट फूड बोलिए आप, वो बर्ड्स डायरेक्ट खाता है। कोई वेजिटेबल्स बोलिए आप, बर्ड्स डायरेक्ट खाता है। कोई ग्रीन पत्ता, बर्ड्स डायरेक्ट खाता है, ठीक है। और जो बाजरा होता है वो भी बर्ड्स डायरेक्ट खाता है। बाकी जितने भी सीड है, ठीक है, जैसे कि कैनाडी सीड, कंगनी, गोल कंगनी, रेड कंगनी, ठीक है, और भी है कुसुम दाना जिसको बोलते हैं और जिसे सनफ्लावर सीड बोलते हैं, वो सारे जो सीड है वो बर्ड्स ऊपर का छिलका को तोड़ के अंदर में जो सीड होता है उसको बाहर निकल के बर्ड्स खाता है, ठीक है। तो इनका काम किस तरह से होता है, देखिए, बर्ड्स जब खाता है उनको, तो उनके शरीर में वो सारे चीज़ पेट के अंदर चला जाता है। तो उनको, बर्ड्स को हजम करने के लिए बहुत बढ़िया केज देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उनके साथ साथ बर्ड्स जब उड़ेगा तो उनके शरीर में वो सारे हजम होता रहेगा, ठीक है, मतलब उनका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो ठीक तरह से काम करेगा। उसके साथ साथ अगर आप इन ग्रीटों को, इन कैल्शियम ब्लॉकों को केज के अंदर लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि जिसको बोलते हैं कि कटल बोन फिश, ठीक है, और चूना पत्थर का कैल्शियम ब्लॉक भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, वो देने का फ़ायदा क्या है। और बहुत सारे लोग बालू को भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग मिट्टी को भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है। वो बर्ड्स, जब वो दाना बर्ड्स के शरीर के अंदर होगा तो जब वो कैल्शियम ब्लॉक, ठीक है, या फिर वो कटल बोन फिश जब खाएगा, उनका जो चूना होगा ना, वो जब पेट के अंदर जाएगा ना, दोनों एक साथ मिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स्ड होके वो जो खाना है उनको हजम करने में उनकी क्षमता करेगा, ठीक है, सहायता करेगा। बर्ड्स के पेट के शरीर के अंदर वो जो कटल बोन फिश का जो चूना है वो, और बर्ड्स का शरीर के अंदर जो खाना गया पेट के अंदर, वो दोनों एक साथ मिक्स्ड होके आपकी बर्ड्स के शरीर में एक एसिड पैदा करेगा, बहुत बढ़िया एक एसिड पैदा करता है, ठीक है। वो बर्ड्स के शरीर के अंदर वो जो खाना है उनको हजम करने की और जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उनको अच्छी तरह से काम में लाता है, ठीक है। इनकी ग्रीट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है, ठीक है। और बाकी जो ग्रीट है, बहुत सारे लोग जो बाली को इस्तेमाल करते हैं ग्रीट के लिए, ग्रीट को बनाने के लिए बालू को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग अंडे का छिलका का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग जो कैला होता है ना, कट कैला, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको सबको मिक्स्ड करके बहुत सारे लोग ग्रीट अपने हाथों से बनाते हैं, वो ग्रीट भी बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन बाकी जो है कि जो एसिड की तरफ आता है, मतलब जो कैल्शियम ब्लॉक या चूना पत्थर का, या फिर जो समुद्री झाग जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो देते हैं लाहौरी नमक, वो भी ग्रीट की तरह ही वो काम करता है। लाहौरी नमक जो है वो भी ग्रीट की तरह ही काम करता है। हम लोग इंडिया में संदूक नमक जिसको बोलते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। बर्ड्स के केज में ये रखना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो कैटल बोन फिश है वो खाने से बर्ड्स के शरीर में जो एसिड होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से वो खाने को
डाइजेस्टिव करने में बर्ड्स की बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और एक है कि ये आपको किस तरह से देना चाहिए बर्ड्स को, ठीक है, जब आप दे इनको इन कैल्शियम ब्लॉक को, ये कटलबोन फिश को या बालू को, ठीक है, या लाहौरी नमक या हमारे इंडिया में जो मिलता है संदूक नमक, इनको जब बर्ड्स के केज में जब देंगे तो उनको अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि बहुत वो बाहर से आता है और उनमें बहुत सारे कीटाणु और जीवाणु वगैरह हो सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह से धो के दीजिए, क्योंकि ये बर्ड्स के शरीर में जाके ये एक हजम करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो अच्छी करता है। तो इन्हें अच्छी तरह से धो के बर्ड्स के केज में जाली के साथ चिपक के रख दीजिए। बर्ड्स को जब ज़रूरत होगा कि बर्ड्स का शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो बर्ड्स इसे खाएगा और उनका जो शरीर है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, बाकी यही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ज़रूर। और है कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करते ही सीधा ज्वाइन हो जाएंगे।